बस अब आज आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें? निश्चित रूप से आज सुबह हम जैसे ही देर रात को सूचना मिलने लग गई थी कि निचली बस्तियों में के घरों में पानी भर रहा है, हम सुबह सभी साथियों पार्षद सभी साथियों सहित हम लोग ने गफूर बस्ती है, हमारे 56 ब्लॉक है और देवटाप कॉलोनी बिल्लाराम मंडी के कई निचले इलाके जहाँ पानी घरों में भर गया था, उन लोगों तक हम पहुँचे और उनसे चर्चा कर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचने का अनुरोध किया। साथ साथ हमने तत्काल का SDM महोदय और CMO को अवगत कराया कि सबकी व्यवस्था सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था करें जिससे कि वहाँ जाके रह सके, और उनके खान पीन की व्यवस्था करने के निर्देश भी हमने दिया है। उसके तहत में आज SDM साहब ने एक मीटिंग अभी आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई थी, ये मीटिंग तो बहुत पहले हो जाना चाहिए थी, पर तो ठीक है समय पर आए, परंतु अभी भी बहुत अधिक प्रबंध करने की आवश्यकता है। यदि भारी मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, उसके मद्देनजर रखते हुए सभी जो निचली बस्ती में लोग हैं जहाँ पानी भरता है उनसे अनुरोध किया गया है कि उनको रात को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, क्योंकि यदि वो रहेंगे और रात को पानी अचानक बढ़ा तो सहायता करना मुश्किल होगा, तो उनके लिए व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था अरे उद्योग द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर एक टीम भावना के शासन प्रशासन और हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में जनता की सेवा करते हुए उनको अधिक से अधिक सहायता पहुँचाना प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक निचली बस्तियों को पानी भरने का सवाल है, निश्चित रूप से इसके स्थायी व्यवस्था हो सकती है, इसके लिए हम प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। नाले का गहरीकरण भी हो और पक्का नाला निर्माण करीब 16 करोड़ रुपये की राशि इन नालों के निर्माण के लिए हुई है जो, और साथ साथ कई बिल्लाराम की और कई बस्तियों में जो पुलिया बनाई गई है वो काफ़ी नीचे बनाई गई है जिससे पानी का थोप लग कर बस्तियों में भर रहा, उसको भी आने वाले समय में हम देखेंगे। और किस प्रकार से पानी की निकास की व्यवस्था हो इसके लिए एक सुनिश्चित प्लानिंग होना चाहिए, जिससे कि प्रतिवर्ष जो आपदा प्रबंधन मीटिंग में हम होती है और हर बार हमें निचली बस्तियों में लोगों की सहायता के लिए जाना पड़ता है, हमें चाहते हैं कि ऐसी स्थायी व्यवस्था हो जिससे कि इसका हल निकले, हम आने वाले समय सब करेंगे इसके लिए प्लान करके, और इसका काम हम निश्चित रूप से हम करेंगे।